उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां मौसम अपना रंग दिखा रहा है तो वहीं सूबे में राजनीतिक पारा भी आसमान छू रहा है। सूरज की तपिश अपना रिकॉर्ड बना रही है तो प्रदेश का सियासी तापमान भी उसे टक्कर दे रहा है। मंगलवार को यूपी की 10 सीटों पर मतदान खत्म होते ही मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें पिछले साल दिसंबर में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लोकसभा चुनाव के बीच मंगलवार को मायावती ने अपना फैसला वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि पूर्ण परिपक्वता आने तक आकाश आनंद को दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग रखा जाएगा। अब सवाल उठ रहे हैं कि चुनाव के बीच बसपा में इस बड़े फेरबदल का क्या कारण है। आकाश को जब लॉन्च किया गया खासकर यूपी में तो उन्हें काफी अटेंशन मिल रही थी, लोगों ने सुनने के लिए उनकी सभाओं में आ रहे थे। सभी को लग रहा था कि बसपा अपने असली मूवमेंट को वापस हासिल कर रही है, लेकिन आकाश आनंद को कुछ बयानों ने बसपा को काफी डैमेज किया। कुछ दिनों पहले उन्होंने सीतापुर में बीजेपी सरकार को आतंक की सरकार करार दिया था, जिसके बाद उन पर FIR भी दर्ज हो गई थी। इसके अलावा दो तीन जगहों पर बयान देते वक्त वो इतने जोश में आ गए कि उनके मुंह से गाली जैसे शब्द निकल पड़े। आवेश में आकर दिए गए उनके बयानों की काफी आलोचना हो रही थी, जिसमें जूते मारने का मन करता है जैसा बयान शामिल है। माना जा रहा है कि आकाश आनंद के इन बयानों ने मायावती को नाराज कर दिया। जिस तरह की राजनीति मायावती करती रही हैं, जिस तरह के बयान वो देती आई हैं, उसमें आकाश आनंद की ये भाषा शैली मिसफिट हो रही है। माना ये भी जा रहा है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा आकाश आनंद के बयानों से नाराज था। कुछ दिनों पहले इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में आकाश आनंद ने पार्टी में अपनी भूमिका पर बात करते हुए कहा था कि बहुत लोगों को मौके दिए गए लेकिन नहीं चल पाया, मुझे इस बार ये जिम्मेदारी दी गई है, अगर मैं भी नहीं चल सका तो मुझे भी हटाया जा सकता है। आकाश आनंद BSP में एक सौम्य चेहरा लेकर आए थे, एक विदेश से पढ़कर आया हुआ युवा चेहरा जो पार्टी को बदल सकता है। शुरुआत में वो काफी सौम्यता से बातें कर रहे थे, लेकिन जब वो भीड़ के सामने आए तो आकाश आनंद को भी कई बार आपक होते देखा गया। उन्हें उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के फैसले को वापस लेने के पीछे ये एक अहम वजह हो सकती है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने फैसले की जानकारी देते हुए लिखा, विदित है कि BSP एक पार्टी के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान स्वाभिमान तथा सामाजिक परिवर्तन का भी मूवमेंट है, जिसके लिए काशीराम जी और मैंने खुद भी अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है और इसे गति देने के लिए नई पीढ़ी को भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में पार्टी में अन्य लोगों को आगे बढ़ाने के साथ ही आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें इन दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।